सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाजिर हाँ सुपरफास्ट पंजाब। इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू दिखावांगे पंजाब दे नाल नाल देश ते दुनिया दा वी हाल सुपरफास्ट अंदाज दे नाल। भगवंत मान ने पंजाब दे 28वें मुख्यमंत्री वजों लिया हल्फ। शहीद आजम भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां च होया सहुं चुक समागम। लखां की गिणती विच बसंती दस्तारां ते दुपट्टियां दे नाल इस सहुं चुक समागम च लोग शामिल होए। केजरीवाल सने दिल्ली कैबिनेट दे मंत्री भी समागम दे विच हिस्सेदार बने। भगवंत मान ने नवें पंजाब दी सिरजना लई लोकां दा साथ मंगिया। सहुं चुकण तों बाद मुख्यमंत्री वजों कार्यकार संभालिया। कार्यभार संभालण तों बाद राज्यपाल नाल भी मुलाकात की। आप विधायक इंद्रबीर सिंह नूं मान की मौजूदगी विच प्रोटेम स्पीकर की सहुं चुकाई गई। कल तो शुरू होएगा पंजाब विधानसभा का 3 दिनी इजलास। 17, 21 ते 22 मार्च नूं होण जा रहा इजलास। इस इजलास दे लई डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर बनाए गए ने प्रोटेम स्पीकर। निजर ने राजभवन च प्रोटेम स्पीकर वजों सहुं चुकी। भगवंत मान नूं वधाई दित्ती। मुख्यमंत्री बनन ते ट्वीट करके मुबारकबाद दित्ती ते पंजाब दे विकास लई मिल के चलण दी गल कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रधानमंत्री दे ट्वीट दे उपर रिप्लाई किया अते जवाब विच उन्हां नूं थैंक यू कहा। खटकड़ कलां च भगवंत मान दे सहुं चुक समागम दे विच विशेष तौर ते विदेश तों उन्हां दी धी सीरत अते पुत्तर दिलशान भी पहुंचे। अपने पिता नाल फोटो खिंचवांदे नजर आए। भगवंत मान दी नवी सरकार सामने पहली वड्डी चुनौती। PSPCL ने झोने दे सीजन विच बिजली दे कट लगाउण दी इजाजत मंगी। पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमिशन कोलों ये इजाजत मंगी गई है। गर्मी दे सीजन च बिजली सप्लाई सुचारू रूप नाल चलाउण दे लई कट लाउण दी इजाजत मंगी है। पीक सीजन च पंजाब कोल 1100 मेगावाट बिजली दी घाट है। आप ने सरकार दे विच आउण ते निर्विघन ते मुफ्त बिजली देण दा वादा कीता सी। CM दे होए सहुं चुक समागम दे विच आम लोकां दे नाल नाल सियासी दिग्गजां ने भी शिरकत कीती। कलाकारां ने भी CM मान दे सहुं चुक समागम दे विच हिस्सेदारी पाई। दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत कालका नूं अकाली दल ने पार्टी चों बाहर कढ़िया। दिल्ली कमेटी दे ढांचे नूं भी पार्टी ने भंग कीता। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि दिल्ली की सिख संगत अते पंथ दे नाल हरमीत कालका ने विश्वासघात किया। हुण अवतार सिंह हिद्दी अगवाई हेठ बनाई कमेटी नूं दिल्ली की पार्टी इकाई चलाउण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पंजाब दे विच कांग्रेस की हार तो बाद मंथन तेज होया। पंजाब दे कांग्रेसी सांसदां ने सोनिया गांधी दे नाल मुलाकात की। दिल्ली विच इस मुलाकात के दौरान विधानसभा चोणां दे नतीजियां की समीक्षा की गई। पांच सूबियां दे विच मिली हार तो बाद कांग्रेस का बागी गुट G23 एक बार फिर इकट्ठा होया। गुलाम नबी आजाद के घर इकट्ठे हुए राज बब्बर, शशि थरूर, प्रनीत कौर। नवजोत सिद्धू ने प्रधानगी अहुदे तो अस्तीफा दिता। पंजाब कांग्रेस प्रधान का अहुदा छड्डिया। चोणां च हार तो बाद सोनिया गांधी ने 5 सूबियां के प्रधानों तो अस्तीफा मंगया सी। कांग्रेसी आगुआं ने पंजाब दे विच हार लई नवजोत सिद्धू के बयानों नूं जिम्मेवार दस्सिया सी। हाईकमान ने 5 सूबियां के प्रधानों का अस्तीफा मंगया सी। विधानसभा चोणां च मिली हार ते दूजे दिन भी कांग्रेस वल्लों मंथन। साबका विधायक नवतेज चीमा दा चन्नी दे खिलाफ गुस्सा फुटिया। नवतेज चीमा ने हार लई चरणजीत चन्नी नूं जिम्मेवार ठहराया। कहा कि चन्नी दी पंजाब कांग्रेस भवन च एंट्री बंद कर देनी चाहिए।
ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ